पहाड़ी सेल। ओके, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहे। हेलो 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 दोस्तों, और खुबचा शरीर पानी कस चिता रहे तुम तो दगड़े। आज हम झामरिया पता नहीं कहाँ जा रहे, नहीं पता अभी तक, कुछ लोकेशन डिसाइड ही नहीं हुई कि किधर जा रहे हैं। अचानक से प्लान बना के कहीं जाना है, तो हमने अज्जू को भी बुला लिया, उसका भी ऑफ था। तो एक और है रवि भैजी, उनके उनसे उनको लेने जा रहे हैं हम खलीफा सिटी, फिर पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने अज्जू को तो आपको दिखा दिया था, और मैंने बोला था ये भैजी भी मिलने वाले, ये है रवि भैजी, ये भी उत्तराखंड से है। तो कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे दो रवि भैजी। मैं भी उत्तराखंड से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है, गांव मेरा धर्मपुर है। और खास मैं किसी लिए अपने गांव का नाम बता रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो दे दो तो जरूर सुन लेना। और अगेन वन सेकंड, वन मोर डांस इन टिकटॉक, धर्मपुरा उत्तरकाशी से हैं। yes, तो आज हम सब लोग पागल हैं क्योंकि हम इतने जितना ज्यादा सैंडस्टॉर्म हो रहा है, और हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ऐसी जगह हम देखते हैं वहाँ जाके कि वहाँ कैसा है, मैं वहीं जाके आपको वहाँ का नजारा दिखाऊंगी। हम लोग जरूर पागल हैं, लेकिन हमारे जो ड्राइवर है वो पागल नहीं है। दोस्तों, ये जगह अबू धाबी सिटी से 40-45 किलोमीटर दूर है। तो आपको इस जगह जाने के लिए पहले मुसफ़ा जाना पड़ेगा, मुसफ़ा जाने के बाद आपको अलिन ट्रक रोड में जाना पड़ेगा। तो उधर जाते टाइम आपको पक्की सड़क से उतरने के बाद आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, राइट साइड नहीं जाना है। जो ये पोल लगे हैं उनको फॉलो करना है आपको, राइट साइड को नहीं जाना है। सकते हो ये लगा हुआ है, फेंसिंग लगी हुई है, इसके अंदर जो पेट्रोल है उसके तार डले हुए हैं। सॉरी मेरे मुंह से क्या निकल गया, पेट्रोल के तार नहीं, पेट्रोल के उसमें पाइप डले हुए हैं। तो चारों तरफ फेंसिंग की हुई है, आगे से यू टर्न नहीं है। तो हम वहाँ से किसी से पूछा हमने, वो बेचारे भी भटक गए क्योंकि गूगल मैप हमें इधर ही ले आया। तो वो भी वापस जा रहे हैं और हम भी वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये इलेक्ट्रिक पोल जो है इनको फॉलो करना है, 2-3 किलोमीटर के बाद आपको सॉल्ट लेक मिल जाएगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये है रवि भैजी, ऐसा लग रहा है पहाड़ों के ऊपर चल रहे हैं। अज्जू का जामर्चे फाल हड़न जामर्चे क्या? फटाफट हो तो आराम से होनी फर्क ही नहीं। तो ये भी आराम से काफी लोग आए हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। फाइनली हम पहुंच गए हैं सॉल्ट लेक। गाइस, ये पूरा नमक ही नमक है, देखो है और ये नमक है, तो ये तभी इसका नाम है लॉन्ग सॉल्ट लेक। यहाँ जब भी आप चलोगे तो ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ना एकदम से टूट रहा है ये, तो कभी भी पैर आपका अंदर जा सकता है। ये है सॉल्ट, ये है नमक, जो हम पहाड़ों में अपन गुड़ में छानते हैं उन्हें भाई बहन बोलते हैं, वो है ये टिक्का वाला नून बोलते हैं, वो है ये क्या बताएगी। हाँ, रवि जी और अज्जू की बहस चल रही थी गाइस। फाइनली
दिया इसे नमक लेके जा रहा हूँ। बोला गांव में ना गाय भैंसों के लिए जो नमक डालते वही वाला है ना ये लेके जाऊंगा बोल रहा अपने उत्तराखंड में यहाँ से पूरा नमक नमक। तो फाइनली अच्छा है यहाँ आने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि बहुत दूर है ये सिटी से बहुत दूर है। तो आप आए अच्छा है टिकटॉक वीडियोस के लिए फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छा है इधर। तो गाइस ये था आज का व्लॉग हमारा जहाँ हम लॉन्ग सॉल्ट लेक गए थे। तो आप लोग भी जो भी अबू धाबी में रहते हैं आइए अच्छी जगह है वीडियोस बनाने के लिए पर काफ़ी दूर है। आप लोग आधे रास्ते में पहुँच के ये मत सोचें कि यार बहुत दूर है वापस चले जाएं क्योंकि एक पल के लिए हमें भी ऐसे लगा। और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एक पहाड़ी सेल ओके नेक्स्ट व्लॉग के लिए बने रहे। तो प्लीज़ जो मेरे वीडियो पे नहीं है सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक करें शेयर करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। See me.